नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना काका दिलेश सिंह स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी कैटेगरी के बारे में जो जहां पर जो है एक दो महीने पहले काफी ज्यादा बूम पर थी, काफी ज्यादा हाइप थी, लेकिन आज की डेट में इसके बारे में कोई भी बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो यहां पर प्रो ट्रेडर्स हैं, यहां पर जो बहुत ज्यादा जो इनके पास स्किल्स है, चार्ट एनालिसिस करते हैं एंड इनको आगे आने वाला फ्यूचर सभी को पता है, वो इसके बारे में जो यहां पर आज भी जो है यहां पर उसको लेके बैठे हुए हैं या फिर बात करते हुए सुना जा रहा है। जी दोस्तों, मैं यहां पर बात कर रहा हूं BRC20 कैटेगरी की। जी दोस्तों हाँ, यहां पर जो हमें पता है कि BRC20 जो यहां पर बिटकॉइन के ऊपर या फिर बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर जो है एक यहां पर जो भी ऑर्डिनेंस बनाए गए एंड उन पर जो हमारे टोकन जो है यहां पर मिंट वगैरह कर करके जो है आपके लिए लाए गए। अब यहां पर हम सभी लोग जानते हैं कि यहां पर हमें जो है इथेरियम, BSC, कार्डानो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड यहां पर जो है सोलाना वगैरह एंड पॉलीगॉन मैटिक वगैरह जो है यहां पर बहुत सारी ब्लॉकचेन जो हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, एक से एक अच्छा काम करती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है ना। और जबकि यहां पर जो यहां पर बिटकॉइन का ऑर्डिनेंस है वो ऐसा कुछ भी करता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अभी क्या है कि हमारे को पता है कि बिटकॉइन जो है कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर यहां पर कोई भी कितना भी नेगेटिव बोलता हुआ नजर आता है क्रिप्टो के बारे में, कितना भी नेगेटिव बोलता हुआ नजर आता है एंड कितना भी नेगेटिव क्रिप्टो के बारे में हो रहा हुआ नजर आता है, कोई भी किसी भी तरीके से जो है स्कैम करता हुआ नजर आता है, लेकिन एकमात्र चीज बच जाती है उसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन के साथ कभी भी कोई भी नेगेटिव बोलता हुआ नजर नहीं आता। बिटकॉइन को सभी एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अदर बाकी जो अल्टकॉइन है उनके बारे में जो उल्टा सीधा बोलते हुए नजर आते हैं। एंड में बात करूं स्कैम, तो बिल्कुल ही बिटकॉइन के साथ जो स्कैम है वो बिल्कुल ना के बराबर है। ना के बराबर का मतलब अगर आप खुद को खुद ही बिल्कुल से दे रहे हो या फिर खुद ही करना चाह रहे हो तो वो चीज एक अलग है, लेकिन अगर बिटकॉइन आपके पास है तो वो आपके पास ही है एंड बिटकॉइन सिक्योर है एंड बिटकॉइन के ऊपर भी जो बनाए गए टोकन रहेंगे या फिर मैं बात करूं BRC20 वो उतनी ही सिक्योर रहेगी जितना कि हमारा बिटकॉइन है, उतना ही पावरफुल रहेगा जितना कि हमारा बिटकॉइन है, उतना ही पावरफुल हमारा BRC20 रहेगा। अब देखो यहां पर एक देखने वाली चीज ये है कि अभी क्या है कि यहां पर जितने किसी भी वजह से जो मार्केट के अंदर अच्छा खासा जो है हमारे को पंप देखने के लिए मिला, बहुत अच्छा था जो मार्केट के हालात चल रहे थे उन हिसाब को देखते हुए अच्छा पंप था। हालांकि जब मार्केट बूम कर रही होती है तो इससे कहीं ज्यादा पंप जो हमें 24 घंटे के अप एंड डाउन देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन अभी जो मार्केट के सेंटीमेंट थे उसको देखते हुए, सारे के सारे स्टेटस को देखते हुए, चार्ट को देखते हुए, ये जो पंप आना था वो इतना नहीं आना था, लेकिन इतना आया तो उस हिसाब से जो पंप आना था अदर कैटेगरी में, या फिर मैं बात बोलूं अदर, यहां तक कि मैं बात करूं सिर्फ बिटकॉइन की या फिर मैं बात करूं किसी अदर ब्लॉकचेन की, तो यहां पर जितने भी इकोसिस्टम हैं उन सभी में जो है सबसे ज्यादा पंप होता हुआ हमें नजर आया BRC20 के जितने भी टोकन थे हमारे वो बहुत ज्यादा पंप होते हुए नजर आए। अगर मैं पूरी कैटेगरी की बात करूं तो यहां पर जो है 21.5% के समथिंग जो है BRC20 पूरी की पूरी जो है यहां पर बूम होती हुई हमें नजर आई। मीन्स की अगर आपने थोड़ा थोड़ा पैसा BRC20 के किसी भी मतलब 5-10 टोकन में लगाया होता तो आपका जो प्रॉफिट है वो 24 घंटे के अंदर जो है 21% हो चुका होता। 24 घंटे का है ये, यहाँ पर 2-3 दिन से जो मार्केट यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो अप जा रही है, लास्ट के 24 घंटे में तो खूब अच्छा खासा पंप किया है। इसके बाद में मैं बात करूँ कि यहाँ पर जो और कुछ टोकन है यहाँ पर 50% के प्लस में जो आपको प्रॉफिट देखे गए हैं 24 घंटे के अंदर, ठीक है ना। तो मतलब BRC20 की जो पावर है वो बहुत ज्यादा अच्छी है एंड हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर एक हाइप मचती है या फिर यूट्यूबर जो है हाइप मचती है जब उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में कोई भी बात नहीं कर रहा होता है। जब यहाँ पर बड़े बड़े ट्रेडर, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो प्रॉफिट ले जाते हैं, अभी क्या है कि उनका ध्यान इस पर है, उनको पता है आगे आने वाला फ्यूचर कुछ भी हो जाए, है ना। जैसे हमें पता है कि यहाँ पर लूना अपना क्रैश होकर भाग गया, ऐसे अगर मैं बात करूं इथेरियम की कल तो इथेरियम के साथ बिल्कुल से होता हुआ नजर आ सकता है अगर इथेरियम लापरवाही बरत दे तो, लेकिन बिटकॉइन एकमात्र ऐसा बच जाएगा कि बिटकॉइन कुछ भी लापरवाही भी में कुछ भी हो जाना लेकिन उसके साथ हो ही नहीं सकता है ऐसा। तो वो चीज कहीं ना कहीं BRC20 के साथ भी है। अब देखो यहां पर BRC20 के साथ अकेले हमें पता है कि BRC20 पर जो अभी के टोकन देखने के लिए मिल रहे हैं ऑर्डिनल्स को छोड़कर, ऑर्डी को छोड़कर, वो ऐसे बहुत सारे टोकन है जो मार्केट में अलग ब्लॉकचेन पर पहले से बने हुए हैं, जैसे पीप, मैं बात करूं नॉट एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे टोकन के नाम के जो हैं बिल्कुल सेम नाम के देखने के लिए मिल जाएंगे। वही टोकन आपको इथेरियम पर है, वही टोकन आपको जो है BRC पर है, वही टोकन आपको BSC पर है, वही टोकन आपका BRC पर है, वही टोकन पॉलीगॉन पे है, वही टोकन BRC20 पर है। लेकिन अगर आप दोनों ब्लॉकचेन के कंपेयर को जो टोकन को कंपेयर करोगे ना तो आपको पता चलेगा साफ साफ कि BRC20 के जो टोकन थे उन्होंने कहीं ज्यादा प्रॉफिट दिया अदर ब्लॉकचेन के टोकन के कंपेयर में। तो वो चीज आपको देखने वाली बात है कि भाई हाँ हमें जो है BRC20 पर भरोसा रखना चाहिए। अब एक चीज यहां पर BRC20 को छोड़ने के बाद मैं आपको बोलूंगा कि BRC20 पर में जो है आपको थोड़े बहुत और इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिले हैं वो है यहां पर आपका ORC20। आपको BRC20 समझ में नहीं आया आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो BRC20 है क्या वास्तव में। BRC20 समझने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ORC20 है क्या।
तो जितने भी यहाँ पर वार्ड स्टूडेंट इनिशियल स्टेज में आप जो यहाँ पर पकड़ लोगे तो बहुत ज्यादा फायदेमंद आपके लिए रह सकता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में जो चल रहा होता है वो चल ही रहा होता है भाई, सबको पता है। एक ही न्यूज को एक ही अलग अलग तरीके से आप सुन के नहीं पकते हो यार, सुन लिया आपने, पढ़ लिया आपने एक जगह, फिर उस दूसरे यूट्यूबर की वीडियो देख ली, दूसरा इन्फ्लुएंसर भी वही चीज बोल रहा है। इस चीज पर थोड़ा गौर फरमाइए कि आप एक ही चीज बार बार अलग तरीके से कुछ आपको नया मिलना है? नहीं, तो नया चीज सोचो कि वास्तव में अंडरग्राउंड में बैकग्राउंड में या फिर वास्तव में पीछे चल क्या रहा है, वो चीज पकड़ो। एंड आपको कहां से ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है आगे आने वाले टाइम में, तो वो चीज थोड़ा सा आप एनालिसिस जरूर से कीजिए। और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो कर देना लाइक। इस चैनल पर इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं, चैनलों को लेना सब्सक्राइब। मिलता हूं नई वीडियो नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।